माला वाला लगा हुआ है, पूरा पूरा सपोर्ट है मोहनपुर पंचायत में, विकास भी हुआ है, उनके टक्कर में कोई भी प्रतिनिधि नहीं है मोहनपुर पंचायत में। नमस्कार साथियों, एसी अमानत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है, ऐसे में हमारे साथ एक प्रत्याशी है जो कि घोंघेपुर पंचायत से नामांकन देकर निकले हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इनका नाम क्या हुआ और इनका कौन सा पंचायत से नामांकन देकर आए। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूरज पासवान, ग्राम पंचायत घोंघेपुर। किस पद के लिए नामांकन दिए? मुखिया पद। मुखिया पद के लिए नामांकन दिया, आप जनता का आपने किस तरह का समर्थन, जनता को आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? जनता का 80% 90% और इससे पहले भी अब मुखिया थे, उसमें अब काज काम जो किए हैं पंचायत में वो आज तक हम चैलेंज देते हैं नहीं के। अगर जनता आपको इस बार अगर फिर आशीर्वाद देगा तो किस तरह से आप पंचायत का विकास कीजिएगा? पूरा समर्पित रहेगा, शिक्षा जो काम सरकार के तरफ से जो भी राशि मिलेगा वो जनता के बीच में रखेंगे और जनता के और हमारे साथ एक समर्थक भी है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हरिराम यादवपुर के सरपंच है। क्या क्या मुखिया जी के बारे में कहना चाहिए? मुखिया जी के बारे में हम यही कहना चाहेंगे, मुखिया जी का जो 5 साल के दरमियान कितना जो कार्यकलाप रहा है सबसे अच्छा सबसे बेहतर रहा है, जो ये मिसाल के रूप में मेरे प्रखंड में मिसाल के रूप में मुखिया जी का कार्यक्रम रहा और इस कार्यक्रम से बढ़ करके कोई मुखिया उतना नहीं कहेंगे, लेकिन अगर किसी से आगे नहीं है तो कम तो है ही नहीं। इनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है जो आपको जनता का रुझान दिखा रहा है। अभी इनके मुखिया जी का समर्थक जीत रहे हैं, इनका टेंट अभी हमारे पेट्रोल पंप पर है, वहाँ देखने से आपको पता चलेगा कि मुखिया जी के साथ जन समर्थन का समर्थन है, वहाँ चला उतरा हुआ है। और ये मुखिया जी ये जहाँ तक कि आपको पंचायत में चुने हैं, एक समर्थक आ रहा है हमारे बीच, क्या नाम है आपका? ब्रजेश पासवान। क्या क्या पूरा एकदम पूरा माला वाला लगा हुआ है, पूरा पूरा सपोर्ट है मोहनपुर पंचायत में, विकास भी हुआ है, इनके टक्कर में कोई भी प्रतिनिधि नहीं है मोहनपुर पंचायत में। मुख्य प्रत्याशी के अंदर क्या आपको ऐसा खास बात लगा कि आप इसके लिए पूरा एकदम जोर शोर से लगे हुए? सामूहिक कार्य में ही बढ़ चढ़ के मतलब भाग लेते हैं, जो भी सामूहिक कार्य होता है, जो विकास पूरे पंचायत में नहीं हुआ है मतलब महसी प्रखंड में वो काम करके दिखाए हैं वर्तमान मुखिया जी। तो समर्थकों का कहना है कि मुखिया जी जो भी काम किए हैं वो पूरे महसी प्रखंड में तो किसी भी पंचायत में नहीं हुआ है। आप देखते रहिए देसी अमानत न्यूज, बहुत बहुत थैंक यू।